कसी आहे पब्लिक, सबसे पहले आज की डेट ऑफ डेट बताइएगा। 5th मार्च आज हो गई 5th मार्च, और आपको पता ही होगा ओडिशा में 3 दिन पहले ही इनॉग्रेट किया गया है एकदम लग्जरियस, आप कह लीजिए बस स्टैंड, जिसको बनाया गया है बिल्कुल एयरपोर्ट की फैसिलिटीज पर। मतलब जैसे फैसिलिटीज आपको एयरपोर्ट में मिलती हैं वो यहाँ मिलेंगी। बस स्टैंड का नाम क्या हो गया सर? मैं ये हो गया बारामुंडा बस स्टैंड। इसकी पहले की हालत आपको पता होगी अगर आप ओडिशा से ये व्लॉग देख रहे हो। सरकार ने खर्च किए मान लीजिए लगभग 210 करोड़ रुपए, और अब आप देखोगे एकदम बारामुंडा बस स्टैंड को चमकाया गया है। तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव व्लॉग वहाँ से हम ला रहे हैं, पूरा इंटीरियर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाया जाएगा। ठीक है, बैक टू बैक बस जर्नीज कर रहे हैं, सुबह बस करके आए और अब आपके लिए यहाँ पर आ गए। ठीक है, शुरू करें। यार देखो आपको स्टाइल पता था, देखो बारामुंडा की, देखो रोड भी, देखो प्लांटेशन वगैरह, देखो रोड भी, देखो उन्होंने क्या चमका रखी है, बिल्कुल ऐसा धूप बहुत ज्यादा है। धूप खैर ज्यादा। चलिए, तो मेरा नाम है डोलेश, मेरा नाम है सौम्या, और आप देख रहे हैं हमारे साथ 200 जर्नी। चलिए सौम्या जी, वॉक करते रहिए। बारामुंडा बस स्टैंड आपको आज पूरा दिखाएंगे। इससे पहले अयोध्या का बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया था। अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और अब बस स्टैंड भी आप देखो बिल्कुल ऐसे बनाए जा रहे हैं, लाजवाब। देखते हैं अंदर, पूरा इंटीरियर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, अब जब भी आप आ रहे हैं, बिकॉज देखो दिस इज़ न्यूली ओपन्ड, तो रूल्स वगैरह शायद आगे पीछे चेंज हो। देखो ये एंट्री गेट बताया जा रहा है, एंट्री गेट अलग से, एग्जिट अलग है, और अगर आप बाय वॉक आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ वॉक करना ज़रूर पड़ेगा। ये देख लीजिएगा सब अभी पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं अपनी बसेस के लिए, रिक्शा यहाँ तक आप देख सकते हो आ रहे हैं। बारामुंडा बस टर्मिनल आप देख सकते हो, देखो फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन वगैरह, मैंने आपसे कहा ना 3 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय द CM ऑफ ओडिशा। आपको बता दें ओडिशा जिसको निकनेम दिया गया है द सोल ऑफ इंडिया। चलिए अब अंदर लेके चलेंगे आपको, ये देख लीजिएगा आई गेस ओडिया में पूरा यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है। अंदर लेके चलेंगे, पूरा इंटीरियर वगैरह सब आपको यहाँ पे टूर दिखाएंगे। हाँ सौम्या, एंटर करते ही लगता है बस स्टैंड है भाई। आप यहाँ देखो, देखो बिल्कुल ऐसी वाइब है एयरपोर्ट जैसी। देखो ये हेल्प डेस्क हो गया, इनकेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, अनाउंसमेंट्स वगैरह भी हैं। आप देखो सब इन्होंने बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, फर्स्ट क्लास यहाँ पर सिटिंग एरिया हो गया। थोड़ा मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ। अभी देखो जैसा मैं आपसे कहा सिर्फ शुरुआत है, अभी धीरे धीरे यहाँ पर और चेंजेस होंगे, सब होगा। देखो आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ऊपर से आपको थोड़ा एरियल व्यू मिल जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे हो डिफरेंस मैं आपको समझा दूँ, ये प्राइवेट बसेस का हो गया है इन्होंने, और यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट बसेस का यानी कि OSRTC का। तो दोनों स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं, और टोटल प्लेटफॉर्म्स मैंने, हाँ टोटल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बताया, सोचिए 44 प्लेटफॉर्म्स। और देखो बस स्टैंड पर सौम्या इतनी साफ सफाई कभी देखी है? हम बस स्टैंड पे नहीं है, हम एयरपोर्ट पे, सच बता रहा हूँ आपको। बट आपसे रिक्वेस्ट, जब भी ट्रैवल कर रहे हो प्लीज़ साफ सफाई बनाए रखिए। देखो इतना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार इतना कर रही है, एटलीस्ट थोड़ा हम भी करें। पीछे आप ये वेटिंग एरिया यहाँ देखिए, क्या लुक आ रहा है। अभी तो महज शुरुआत है, अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर और हैं। होटल का क्या बताया? होटल का बता रहे हैं अभी नहीं है, हाँ बट आगे चल के Yes. Government is planning. आगे चल के, अब आगे जैसे होगा रूम्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए रेस्ट रूम्स यहाँ पर ज़रूर बनाए गए हैं। देखो ये फैसिलिटी ड्राइवर के लिए भी सोचा गया है, देखो सब आपको दिखाते हैं, ATM वॉशरूम वगैरह सब मिलेगा। भाई साहब पहला लुक ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको एस्केलेटर दिए गए हैं, ये पूरा आप देख लीजिए बस बे हो गया, जिस भी गेट नंबर पर, जिस भी टर्मिनल पर 13, 14 जो भी आपकी बसेस वगैरह है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात देखिएगा टेक्सचर जो है ना, कलर पेंटिंग मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो बनाया ना, तो वो सीटिंग एरिया यहाँ पर हो गया। स्क्रीन वगैरह आप देख लीजिए, सब आपको कोशिश कर रहे हैं जितना भी आपको दिखा पाएँ। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखो अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ क्या है काम चलता हुआ, ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए यहाँ पर हो गया। ये सब शॉप, ये टिकट काउंटर देखो, फूल वगैरह से सब सजाया हुआ पूरा, देख रहे हो लोकल जो ओडिशा का एसेंस है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिएगा सब टिकट काउंटर वगैरह, इनकेस अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया तो आप इंस्टेंट करना चाहें। क्लॉक रूम भी, वेट फीडिंग रूम भी हो गया, देखो इनकेस अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो वो सब मिलेगा आपको यहाँ पे। क्लॉक रूम हो गया, गेट नंबर 227, पार्किंग वगैरह हो गई चाहे वो बाइक, अभी धीरे धीरे यहाँ पर ये सब चीज़ें ओपन होंगी। देखो बट यहाँ कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी आते हुए, देखो ये गवर्नमेंट बस वाला है, ठीक है ना, अनाउंसमेंट होते हुए देखो लगता है कि, देखो सोचो ये बस स्टैंड पर है, आई गेस ये फाउंटेन है, अभी शायद पानी चालू नहीं है इसमें फाउंटेन का, सुबह आ गए जल्दी, हम जल्दी आए आपको दिखाने के लिए। बट देखो लोग आते हुए, लोग यहाँ पर, ये देखो भाई
सौम्या मस्त लग रहा है यार, कुछ कह लो। ये देखो पूरा, देखो ये बस स्टैंड है भाई साहब, देखो। और हमारे अंदर जो स्पेशली आदत है, हम बस स्टैंड पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। देखो जो लोग वहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ पर बस, जहाँ जिस रोड से बस आती है, देखो उनको हटाया जा रहा है भाई। ये आदत अब सुधारनी पड़ेगी अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए। हाँ सौम्या, एयरपोर्ट पे कभी आपको ऐसे घूमने मिलता है? ऐसे घूमने मिलता है, बट यहाँ देखो पब्लिक, आप देख सकते हो लोग ऑलरेडी बसेस में चढ़ते हुए, एंड दिस इज प्राइवेट बस है, जो मैंने आपको समझाया था। जहाँ तक गवर्नमेंट ही है, आप देख लीजिए वहाँ से बस की एंट्री होगी, उस वाले गेट से पूरा बस घूमेगी, यहाँ टर्मिनल लगेगी और फिर इस तरफ से पीछे से एग्जिट है भाई। मज़ा आ गया। हाँ देखो बस स्टैंड भी सौम्या, मेरे को याद है जब मैंने लंदन में इंग्लैंड में बस जर्नी की थी, बिल्कुल ऐसा ही, आई गेस लीड्स का बस स्टैंड था, बिल्कुल ऐसा ही बस स्टैंड आपको वहाँ पर। और बीच में आप देखो इन्होंने क्या ग्रीनरी ज़बरदस्त बनाई हुई है भाई, कहना पड़ेगा ओडिशा वालों, और स्पेशली जो बारामुंडा से बस बोर्ड करने वाले हैं उनकी तो मौज आ गई। ओडिशा एरिया वाइज हो गया 8th नंबर का स्टेट, और पॉपुलेशन वाइज हो गया 11th नंबर का स्टेट इंडिया का। ये देखो यार पब्लिक देखो यार, सुबह 9:30 बजे पब्लिक देखो भाई साहब, 9:15 बजे हम आए आपके लिए व्लॉग बनाने। बारामुंडा बस टर्मिनल जो टैगलाइन दी गई है वो क्या दी गई है? क्या बात है। अब एक शॉर्ट टूर में आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा सबसे पहले ये हो गया फार्मेसी का, मेडिकल वगैरह सब कुछ इन केस कुछ इमरजेंसी हो। और यहाँ देखिएगा आप देख सकते हैं दिस टर्मिनल इज डेडिकेटेड टू बाबा साहेब अंबेडकर जी, तो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम आप कह लीजिए उनसे रिलेटेड बनाया गया है, उनकी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस ये हो गया शक्ति कैफ़े, एकदम लाजवाब कैफ़े। आप इंटीरियर देखो, बाहर से अगर देखोगे ना मेन्यू अगर आप देख लीजिएगा, सब यहाँ पर मिलता हुआ। कोशिश पूरी कर रहे हैं जितना भी आपको दिखा पाएँ, बट अब तक सौम्या जितना हमने घूमा, ये टर्मिनल बताइए लगभग कितने पैसेंजर हैंडल कर सकता है? ऑलमोस्ट 50,000 to 80,000 के अराउंड पैसेंजर्स होल्ड कर सकते हैं एट अ स्ट्रेच। और कितनी बसेस? और 800 बसेस के अराउंड। 800 बसेस, दैट इज आल्सो एवरी डे। हाँ, इसमें से 44 जो बस टर्मिनल्स है वो एक्टिव है। हाँ, जिन पे बसेस आती हैं, पैसेंजर्स जाते हैं जी वो। हाँ, उसके अलावा आई थिंक 100 के अराउंड बस टर्मिनल्स और हैं जहाँ पे बस की पार्किंग साफ कर सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। बिकॉज देखो ग्रैंड स्केल पर बनाया गया ना यहाँ पर, आपको और दिखाया जाए, ये देखो यहाँ पर ये पूरा शॉपिंग वगैरह इन केस अगर आप करना चाहो। यहाँ पर देखो ये फूड कोर्ट एरिया है अभी फिलहाल, क्या है अब देखो लाइट वगैरह फिलहाल बंद है, सुबह का सीन है। देखो आप देख सकते हो कितना बड़े स्केल पर देखो इन्होंने यहाँ पर काम किया है, हैं देखो बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने। देखो ये एक और कैफ़े आपके लिए हो गया, चाय कॉफ़ी आराम से बैठ के आप विंडो के नज़ारे लेकर यहाँ पर। हाँ, और देखिए सब शॉपिंग वगैरह सब आप कर सकते हो। ये पूरा देखिएगा कैफ़े, एक छोटा सा मेन्यू आपको दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पर सब शॉपिंग वगैरह हो गई, खाने पीने का एक छोटा सा मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ विथ प्राइजेज, आप देख लीजिएगा ये जो भी ऑप्शंस आपको लेने हो, अब डिपेंडिंग आप कब आ रहे हो, प्राइजेज मेन्यू सब ऊपर नीचे हो सकता है, पॉज कर देखते जाइएगा, विद इन लिमिटेड टाइम मेरे को आपको दिखाना है। ये देखो ये सिटिंग एरिया आप देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल एयरपोर्ट का लाउंज। और बाय एनी चांस अगर आप बच्चों के संग ट्रैवल कर रहे हो, आप खाने में व्यस्त हो तो बच्चों को यहाँ छोड़ दीजिए, तो ये देखिए ये आपको मिलेगा कहीं भी। देखो किड्स प्लेइंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है, क्या बात है। बट एक बात का फिर, बिकॉज बस स्टैंड है, आपको बताइए हम पब्लिक कैसे यूज़ करती है, प्लीज़ मेंटेनेंस क्लीनलीनेस रखेंगे तो साफ सफाई हाँ, बनी रहेगी। और प्रॉपरली जो यूज़ करना है, देखो प्रॉपरली इसको यूज़ कीजिए। अब गवर्नमेंट ने इतना किया है, यहाँ पर आप पूरा मैप देख सकते हो, देखो पूरा वर्ल्ड मैप, क्या बात है। तो सिर्फ खेलना फेरना नहीं, बच्चे यहाँ पर कुछ नया सीखेंगे भी। आप देखिए कितने बड़े स्केल पर, ये हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे हम आए, और देखो कितना जहाँ से एंट्री आप लेफ्ट लीजिए, ये पूरा टर्मिनल का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जितना हो सकता था आपको पूरा एक एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर हमने दिखाया है बारामुंडा बस टर्मिनल का। जब भी आप आ रहे हैं एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ है आपको। हाँ, इनॉग्रेट हुआ है इसलिए जो शॉप्स हैं जी, शॉप्स बंद हैं, यस वो अभी भी बंद हैं। उस तरफ आपको दिखाऊं, वो फूड कोर्ट और है वहाँ पर। हाँ, अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्केल पर फूड कोर्ट भी वहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, आप पीछे आप देखोगे, उम्मीद है कैमरा पर लेंस पर आपको पूरा ये दिख रहा होगा। यहाँ आप देख लीजिएगा ये फर्स्ट क्लास आपको जो दिखाया था, हेल्प डेस्क वगैरह पूरा वहाँ पर, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ होता हुआ। तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव बारामुंडा बस टर्मिनल का इंटीरियर टूर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम हैं ओडिशा, ये हुई ना कुछ बात। ठीक है, सो दिस इज डोलेश, दिस इज सौम्या, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर बस टर्मिनल का मैं आपको एंट्री और दिखा दूँ। ये देखो ये मेन एंट्री है, आप देख रहे हो पूरा। अब देखो यार
इतना बड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे, इतना बड़ा एक्सप्लोर करेंगे, टाइम चाहिए। आप खुद आइए और यहाँ पर सब कुछ देखिए। सबसे अच्छा लगा प्ले किड्स एरिया, देखा बच्चों को छोड़ दो, टेंशन खत्म, आपकी टेंशन खत्म, खाना पीना खाओ, आप एंजॉय करो सब कुछ। यहाँ आपको और दिखा दूँ, पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग हो गई, फोर व्हीलर पार्किंग हो गई, सब कुछ आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया, उम्मीद है उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ठीक है, टाटा, टेक केयर।